फिलहाल नए प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दिया है एक्सप्रेस एंड मोंगूस। एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं सर्वर डॉट जेएस और प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर। पहला तो सिंपल ही था आपका एक्सप्रेस वाला सर्वर, कॉन्स एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स ऐप इक्वल्स टू व्हाट एक्सप्रेस app dot listen। नाउ मोंगूस का यूज करना है, पहले कनेक्टिविटी सिंपल कर रहे हैं मोंगूस से, या मोंगूस से एक बार ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो वो बैकग्राउंड पर रहेगा, तो मोंगूस के थ्रू डायरेक्टली हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। जैसे फिलहाल हमारे पास मॉड्यूल अलग से कौन सा है मोंगूस, और इसके लिए मैंने फाइल का वेरिएबल का नाम भी क्या रखा है मोंगूस ही रख दिया। सो डायरेक्टली मोंगूस लाइब्रेरी मॉड्यूल को हमने इंक्लूड किया अपने प्रोजेक्ट में। क्या मोंगूस के पास कनेक्शन पहले की तरह ही मेथड है कॉल्ड कनेक्ट का। जैसे क्लाइंट मोंगोडीबी में हमने क्या यूज किया था, मोंगोडीबी मॉड्यूल का एक क्लास कॉल्ड मोंगो क्लाइंट यूज की थी। क्लाइंट के पास मेथड था कॉल्ड कनेक्ट, या मोंगूस मॉड्यूल कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट अ क्लास, और क्लास के पास डायरेक्टली क्या मेथड पड़ा है ऑब्जेक्ट पड़ा है, मेथड है कॉल्ड कनेक्ट। कनेक्ट में यहाँ पर फिर से पास होगा यूआरएल और दो एडिशनल पैरामीटर्स भी पास होंगे, यूनिफाइड टॉपोलॉजी, ठीक है। बट वो अभी मेरे केस में मुझे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मेरे नोड का वर्जन 16.0 है। आपके केस में सिर्फ वार्निंग्स आएंगी बट वो रिमूव करनी है। बट पहले तो हमने सिंपल कनेक्ट कर रहे हैं। सो मोंगोडीबी कॉलन डबल स्लैश वी हैव लोकल होस्ट कॉलन 27017 और अपने अपने डेटाबेस का नाम भी दे दिया। तो लेट्स से कि मैं एक डेटाबेस, सो मैं यहां पर कनेक्टिविटी के लिए इसे दे रहा हूं बैच मोंगो डीबी, इस नाम से एक डीबी हो। अगेन ये फंक्शन पहले की तरह प्रॉमिसेस रिटर्न कर रहे हैं, सो अगर सक्सेसफुली हैंडल हुआ है तो हम देन में मैच करेंगे, सो देन विल रिटर्न अ रिजल्ट। और अभी फिलहाल मैं इस रिजल्ट का यूज नहीं कर रहा, डायरेक्टली कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग इट इज कनेक्टेड, तो सिर्फ मैसेज दे दिया है कनेक्टेड। और कैच में आपने क्या किया, एरर रिसीव होगी और आपने एरर में, फिलहाल मैं एरर प्रिंट नहीं कर रहा, सिर्फ मैसेज दे रहा हूं इश्यू इन व्हाट कनेक्टिंग। आप देना चाहो कॉमा देके अपना एरर मैसेज प्रिंट करवा देना। सिंपल किया अभी तक मोंगो डीबी की तरह है। लास्ट टाइम हमने मोंगो डीबी डॉट मोंगो क्लाइंट यूज किया था, क्लाइंट के पास मेथड क्या था कनेक्ट एज अ यूआरएल और आपने पैरामीटर और आपने उसका प्रॉमिस हैंडल किया था। सिमिलरली यहां पर भी आपके पास लाइब्रेरी कौन सी मॉड्यूल कौन सा यूज किया हमने मॉन्गूस का, और वहां पर मेथड कौन सा है कनेक्ट अवेलेबल। अभी अगर मैं एपीआई अगर रन करूं तो एटलीस्ट मुझे मेरे सामने कनेक्टेड का या इश्यू इन कनेक्टिंग का कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज आना चाहिए। सो आई जस्ट स्टार्टेड सर्वर डॉट जेएस इन अ नोड वन एंड इट इज व्हाट कनेक्टेड है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डेटाबेस सक्सेसफुली क्या है कनेक्ट हो चुका है। नाउ अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्कीमा डिफाइन करेंगे, मतलब हम अपने मॉडल्स बनाएंगे। मॉडल मतलब मुझे मेरे टेबल मेरी कलेक्शन के अंदर कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड है, उनका क्या क्या टाइप होना चाहिए, ये हम मोंगो डीबी में डिफाइन नहीं कर रहे। कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, नोड जेएस में करेंगे। और नोड जेएस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिंपल स्कीमा डिफाइन करेंगे हमारे कलेक्शन का, और उस स्कीमा के ऊपर बेस्ड कलेक्शन एक्चुअली कौन बनाएगा, मोंगूस बनाएगा। मोंगूस मेरे लिए क्या बनाएगा, कलेक्शन बनाएगा और मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है रिटर्न करेगा, क्या कर बनाएगा ये ODM, we call it as ऑब्जेक्ट डेटाबेस क्या है मॉडलिंग है। सो डेटाबेस के कलेक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के लिए क्लास मतलब कलेक्शन स्कीमा
वो हमें डिफाइन करना है। तो स्टैंडर्ड डिफाइन होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर क्रिएट करो कॉल्ड मॉडल्स का, रूल नहीं है तो बनाना ऐसा होना चाहिए जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड ये है कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए हम क्या बनाएंगे, मॉडल्स नाम से एक फोल्डर बना रहे हैं और वहां हम अपने मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दी, लेट्स कॉल्ड यूजर मॉडल डॉट जेएस। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपल फाइल क्रिएट कर रहा हूं, यूजर मॉडल डॉट क्या जेएस, सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई। अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल में मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि यूजर्स नाम से कलेक्शन बने और उस कलेक्शन का स्कीमा वो हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। सो पहला काम मेरा मोंगूज वाले मॉड्यूल को इंक्लूड करना फिर से। सो मोंगूज इक्वल्स रिक्वायर अ मॉड्यूल कॉल्ड मोंगूज, मैंने मॉड्यूल ऐड कर दिया। कॉन्स्ट लेट्स से कॉल्ड यूजर्स, यूजर्स यूजर्स कॉन्स्ट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। बट इससे हम कर क्या रहे हैं, मोंगूज डॉट क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, मतलब इस यूजर कलेक्शन का स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। अभी ये कलेक्शन नहीं है, सिंपल क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक क्लास स्कीमा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, जेसन फॉर्मेट में देना है। तो मोंगूज डॉट स्कीमा में मोंगूज के स्ट्रक्चर का मतलब आपके कलेक्शन का एक स्कीमा डिफाइन हो रहा है इन एन जेसन फॉर्मेट, क्योंकि टेबल बना रहे हो आप एक तरह से यूजर्स नाम से। टेबल में क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। कलेक्शन बना रहा हूं मैं तो कलेक्शन के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है यहां पर, तो जेसन ऑब्जेक्ट की तरह। तो जेसन ऑब्जेक्ट की तरह ही आपने प्रॉपर्टीज बनानी है, लाइक ईमेल प्रॉपर्टी, लेट्स से उसका टाइप क्या दे दिया आपने, स्ट्रिंग दे दिया। ऐसे आपने कहा पासवर्ड एक प्रॉपर्टी, और आपने पासवर्ड प्रॉपर्टी का टाइप भी क्या दे दिया, स्ट्रिंग। सिंपल बनाया अभी मैंने, सिंपल यूजर्स नाम से एक कलेक्शन और मतलब स्कीमा है, स्कीमा फॉर अ कलेक्शन कॉल्ड यूजर्स। ऐसा नहीं है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि स्कीमा का रेफरेंस मेरे पास कहां पड़ा है, यूजर स्कीमा में पड़ा है, ऐसे इसका नाम यूजर स्कीमा रख देते हैं। द यूजर स्कीमा कंटेन ईमेल एंड व्हाट पासवर्ड, दो प्रॉपर्टीज जिनका टाइप अभी फिलहाल क्या डिफाइन है, स्ट्रिंग है, सिंपल प्रॉपर्टीज। अब मैं डिफाइन करूंगा कि इस स्कीमा को लेकर मोंगूज क्या बनाए, एक डीबी क्रिएट कर दे, मतलब एक कलेक्शन क्रिएट कर दे। सो मोंगूज के पास ये ऑप्शन है कॉल्ड मॉडल, कि मुझे एक मॉडल प्रिपेयर करना है, मॉडल का नाम क्या रखना है, ये मेरे कलेक्शन का नाम है। कलेक्शन का नाम क्या हुआ, यूजर्स बना, और वो स्कीमा कौन सा यूज करेगा, यूजर स्कीमा यूज करेगा। तो हमने कहा कि मुझे एक मॉडल प्रिपेयर करना है, मॉडल का मतलब मैं उसे कह रहा हूं, मोंगूज को कह रहा हूं कि मेरे लिए यार एक क्लास दे दो, बना दो क्लास। क्लास किसके लिए चाहिए, फॉर अ कलेक्शन कॉल्ड यूजर्स बेस्ड ऑन अ स्कीमा कॉल्ड व्हाट, यूजर स्कीमा, ये क्लास रिटर्न करेगा। और मुझे एक क्लास Node.js के सभी प्रोजेक्ट में क्या है, पूरे प्रोजेक्ट की शेयर करनी है, तो मैंने अलग फाइल में रखा, मैंने इसे डायरेक्टली क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब जो भी यूजर मॉडल का मॉडल को रिक्वायर करेगा उसे एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, यूजर डेटाबेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्लास, स्कीमा क्लास मिल जाएगी, मॉडल क्लास मिल जाएगी। ये मॉडल क्लास चेक करेगा पहले कि यूजर्स नाम से कोई कलेक्शन डीबी में है या नहीं है, अगर तो है तो क्या ये स्ट्रक्चर को मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो ये दो कॉलम्स एडिशनली वो उसमें क्या करेगा, ऐड कर देगा। और अगर स्ट्रक्चर बना ही नहीं हुआ, यूजर्स है ही नहीं, तो नया यूजर्स क्या है, क्रिएट कर देगा विद दीज टू व्हाट कॉलम्स। अगर MongoDB कॉम्पास में देखो, हमारा बैच MongoDB वो डेटाबेस हट गया, क्योंकि डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, कलेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने डेटाबेस को डिलीट नहीं किया, बट मैंने तीनों कलेक्शंस क्या कर दिए थे, रिमूव कर दिए। कलेक्शन रिमूव होते ही डीबी ऑटोमेटिकली क्या है, रिमूव हो गया। क्लियर है कि नहीं, तो यहां पर भी हमने अभी हमने उसे कुछ नहीं कहा, हमने उसे कहा है कि डेटाबेस बना देना बैच MongoDB, वो अपने आप चेक कर लेगा, अगर है तो ठीक, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। इसके अलावा वो अपने आप चेक करेगा कि यूजर्स नाम से कलेक्शन अगर है और उसमें ये दो कॉलम्स पड़े हुए हैं, फाइन, नहीं पड़े हुए तो आपके उसी टेबल में कलेक्शन में ये दो कॉलम्स क्या है, ऐड कर देगा, ठीक है। और हमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देगा, मॉडल क्लास देगा, जिसे मैंने एक्सपोर्ट करवा ली, यानी मुझे अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज करना होगा उसे, तो मैं सिंपली क्या करूंगा,
इंपोर्ट ही करूंगा. सो आई विल जस्ट से कॉन्स्ट यूजर्स, लेट्स से मैंने इसका नाम क्या रख दिया, यूजर्स ही रख दिया, मतलब जो इंपोर्ट करवा रहा हूं उसका नाम रखा. क्या कर रहा हूं, डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर मॉडल डॉट. अब यूजर मॉडल से मुझे मिल क्या रहा था, एक मॉडल क्लास मिल रही थी जो किसने प्रिपेयर किया है, मंगूज ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ कलेक्शन कॉल्ड व्हाट यूजर्स, विच इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट दिस स्कीमा. उसी को डायरेक्टली हमने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है. इसका मतलब जहां हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस डीबी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, रेफरेंस मिल गया, मॉडल क्लास का रेफरेंस मिल गया. अब हम क्या करें, वैसे एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं सेव का, तो app डॉट गेट एक एंड पॉइंट बना लेते हैं सेव डेटा. अब देखो जो लास्ट टाइम आपने ऑपरेशन किए थे यूजिंग MongoDB, उसमें आपको क्या फर्क था, MongoDB की सारी एजेडिस कमांड चलाई थी आपने, जो MongoDB में हम लिख रहे थे उन्हीं कमांड्स को हमने यहां पर एग्जीक्यूट किया था. वहां पर हमने db डॉट कलेक्शन नेम लिखा था, यहां पर हमने db इंस्टेंस जो हमने बनाया था डॉट कलेक्शन, और फिर आगे वही सारी कमांड्स हमने दी थी. लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क हो जाएगा मोंगूस के अंदर, और फर्क यह है कि आपको आपके टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिली है, क्लास मिली है, और क्लास में हर काम करने के लिए क्या है, फंक्शंस है. मतलब वो एग्जैक्टली सिमिलर टू जो आपने ऑलरेडी MongoDB में डायरेक्ट लिखे हैं, बट वो कलेक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं करने. कलेक्शन कौन सा आपके पास, यूजर्स है, आपने यूजर्स के थ्रू एक्सेस करने. जैसे मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मतलब एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है अपने कलेक्शन में, आई विल कॉल्ड एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है अपने टेबल में. MongoDB है तो हम रिकॉर्ड और टेबल नहीं कहते, इसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है अपने कलेक्शन में. डॉक्यूमेंट है क्या, जेसन ऑब्जेक्ट है, फिर आपने जो भी ऑब्जेक्ट डाला है वो क्रिएट करना. लेट्स से लेट ओबीजे इक्वल्स, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है मेरे लिए, ये टेबल में जाएगा, और टेबल में प्रॉपर्टीज क्या रखी है हमने कलेक्शन में, ईमेल एंड पासवर्ड. तो मैंने ऐसे लिख दिया test@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस एंड माय पासवर्ड, पासवर्ड कॉलन, और हमने यहां पर क्या दे दिया, एक पासवर्ड भी दे दिया. ये मैंने एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट है सिंपल, ये ऑब्जेक्ट वो सेम प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है जो एग्जैक्टली मेरे मॉडल को क्या थी, रिक्वायर्ड. अब मॉडल कौन सा मेरा, मॉडल है मेरा यूजर्स. यूजर के पास ऑप्शन डायरेक्टली क्या है, सेव है, कि मुझे एक नया ऑब्जेक्ट सेव करना है, बट यूजर क्लास है, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो क्लास को यूज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट. सो कॉन्स्ट, लेट्स से यूजर ओबीजे इक्वल्स न्यू यूजर्स. आपने यूजर्स क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट पैरामीटर में आपसे क्या मांग रहे, तो जेसन, वो हमने उसे दे दिया, दैट इज कॉल्ड ओबीजे. सो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बेस्ड ऑन आर क्लास. यूजर कौन है, हमने जो क्लास का रेफरेंस ऊपर लिया है, आप जिस मर्जी नाम से लो, क्योंकि हमने तो ये कह रखा है कि यूजर मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर अ कलेक्शन कॉल्ड यूजर्स मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक मॉडल रिटर्न करेगा. मॉडल रिटर्न जो भी होगा डायरेक्टली क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया. तो जो भी उसका नाम था, मैंने उसका नाम क्या रखा है, यूजर्स रखा है. तो यूजर्स मेरा क्या बिलोंग कर रहा है, एक मॉडल डायरेक्टली रेफरिंग टू अ कलेक्शन कॉल्ड व्हाट यूजर्स है. जब भी मुझे एक नया यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब एक नया डॉक्यूमेंट डालना है, मतलब मुझे नया क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, किसके लिए, यूजर्स क्लास का. और अब इसी क्लास के पास मेथड है कॉल्ड सेव, दैट्स इट. रिकॉर्ड डायरेक्टली क्या करेगा, सेव कर देगा. ये सेव भी आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और इस प्रॉमिस में वो आपको क्या देगा, रिजल्ट, कि अगर सक्सेसफुली रिकॉर्ड सेव हो गया तो मैं रिकॉर्ड एज इट इज क्या है, रिटर्न कर दूंगा. मतलब अगर ये रिकॉर्ड सेव होता है तो एग्जैक्टली वो यही रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा, विच कंटेन ऑल द एग्जिस्टिंग वैल्यूज प्लस अंडरस्कोर आईडी कॉलम. अंडरस्कोर आईडी कॉलम तो MongoDB अपने लिए बनाता ही है. आपने दो कॉलम्स बनाए, ईमेल एंड व्हाट पासवर्ड है, एडिशनली एक कॉलम कौन बनाएगा, तो MongoDB अपना बना देगा, कौन सा, अंडरस्कोर आईडी के नाम से, राइट. और मैं रिस्पांस को यहां पर एंड कर देता हूं. ये मैंने कोड कहां रखा है, इन एन एंड पॉइंट कॉल्ड सेव डेटा के अंदर रखा है. सो
सो लेट्स से सेव डेटा को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। सो मैं नोड बोन के थ्रू चला रखा था तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लोकल होस्ट कॉलम 3000, सॉरी हमारा एंड पॉइंट कौन सा है, सेव डेटा। सेव डेटा रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं आएगा, अगर आना चाहिए तो कहां आएगा, टर्मिनल विंडो पे जरूर आएगा, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स को क्या किया था, अगर सक्सेसफुल था तो रिजल्ट प्रिंट किया हुआ था, और रिजल्ट में मैंने कहा बताया क्या आएगा, जो रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया है वही सारा रिकॉर्ड एज इट इज क्या रिटर्न करेगा। वो तो आपने डाले थे कॉलम ईमेल एंड व्हाट पासवर्ड, एडिशनली मैं आपको क्या रिटर्न करूंगा, ऑब्जेक्ट आईडी। अब आप चेक करो हमारे पास क्या डेटाबेस बना हुआ था, बैच MongoDB डेटाबेस था बना हुआ, नहीं था, ना कलेक्शन था, लेकिन फिलहाल अब उसने क्या कर दिया होगा, मेरे पास वो डेटाबेस भी बना दिया और मेरे पास वो क्या बना दिया, कलेक्शन भी बना दिया। कलेक्शन में ईमेल पासवर्ड तो हमने दिया था, अंडरस्कोर आईडी उसने बनाना था। मतलब इस अप्रोच में सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि मुझे MongoDB के ऊपर फोकस नहीं करना, मैं अपने Node.js के कोड में काम कर रहा हूं, मैंने वहां बता दिया कि मुझे एक कलेक्शन बनाना है इस पर्टिकुलर स्कीमा के साथ। बैकग्राउंड पे वो अपने आप चेक करेगा, अगर वो कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो नया बना दो, और अगर कर रहा है तो क्या ये दो कॉलम उसमें है, अगर नहीं है तो ये दो कॉलम उसमें क्या करो ऐड कर दो, चाहे आपके चार और पड़े थे, मैं अपनी तरफ से दो कॉलम क्या है ऐड और कर दूंगा। क्लियर हुआ पॉइंट, हमने यहां पर कुछ नहीं बनाया, हमने यहां पर सीधा MongoDB के ऊपर फोकस ही नहीं किया, हमने डायरेक्टली किस पर फोकस किया, नोड के प्रोजेक्ट के ऊपर कंसिडर किया, हमने मॉडल में अपने क्या बनाए, मॉडल डिफाइन किया, हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो डिफाइन कर दिया, हमने मोंगूस को कहा हमारे लिए कलेक्शन भी बना दो और कलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रिटर्न कर दो, मॉडल क्लास भी रिटर्न कर दो। मॉडल क्लास के अंदर ही आपने क्या पढ़ा, एक फंक्शन अभी पढ़ा, कौन सा, सेव, मतलब आपको MongoDB की तरह क्वेरी फायर नहीं करनी इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी, आपको डायरेक्टली क्या यूज करना है, सेव मेथड का यूज करना है, और भी बहुत सारे फंक्शन इसी के अंदर डिफाइन है, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट वी हैव फाइंड यूजर्स डॉट, अभी तो ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे नहीं, फाइंड फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, फाइंड एंड डिलीट, फाइंड एंड रिमूव, जितने भी आपके MongoDB के ऑपरेशन थे सारे हमारे पास रैपर फंक्शन अवेलेबल है। आपको अब उन MongoDB के क्वेरीज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना, काम देखो वही है, फाइंड के अंदर भी क्या पास करना होगा, फिल्टर ही पास करना है, तो फिल्टर वैसे ही देना ना आप जैसे पहले दे रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब ये सारे रैपर क्लासेस फंक्शन किसके अंदर अवेलेबल है, आपके मोंगोस मॉडल के अंदर अवेलेबल है, तो इसे हम कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। इसमें कि हम अपना लॉजिक कोड किस में लिख रहे हैं, कोड पे लिखी जा रहा है, हमें नहीं पता MongoDB क्या कर रहा है, हमें तो इतना पता है हमने कहा मॉडल बना दो, हमने मोंगोस को कह दिया कि भैया बैकग्राउंड में क्या बना देना, कलेक्शन बना देना, और डेटाबेस भी अपने आप देख लो, नहीं है तो खुद बना देना, सब कुछ बनाते रहना, मैं कुछ भी चेंज करूंगा स्ट्रक्चर में वो मैं अपने कहां चेंज करूंगा, स्कीमा में चेंज करूंगा, कि मुझे एक नया कॉलम और रिक्वायर्ड है, ठीक है मुझे नेम भी रिक्वायर्ड है, तो नेक्स्ट टाइम कॉलम के अंदर अपने आप क्या चला जाएगा, नेम चला जाएगा। क्लियर है, स्कीमा में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रॉपर्टीज और उसका टाइप भी बना रहे हो, प्रॉपर्टीज टाइप वी कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यू, वी कैन अप्लाई वैलिडेटर, डेटाबेस की वैलिडेशन, हम कह रहे हैं कि ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक तो क्या होती है जावास्क्रिप्ट की क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, क्या पहले चेक कर ले कि यूजर ने डेटा डाला है कि नहीं डाला, लेकिन दूसरी वैलिडेशन सर्वर साइड की होती है, विच इज व्हाट, कि ये ईमेल एड्रेस पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है ना, और ईमेल की वैलिडेशन और भी हो सकती है, जैसे हमने कहा पासवर्ड की स्ट्रेंथ वैलिडेट करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, तो पासवर्ड कॉलम स्ट्रिंग इससे काम चल जाएगा, लेकिन और भी एडिशनल एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड का टाइप आपने क्या दे दिया, स्ट्रिंग होगा, आपने पासवर्ड की डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर दी कि लेट्स से क्या है पासवर्ड, तो अगर यूजर ने यूजर पासवर्ड नहीं डालता तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड क्या अज्यूम कर लिया जाएगा, पासवर्ड ही, तो मतलब ये इस तरह की वैलिडेशन आप स्कीमा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, जैसे कई बार हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं ना कि यूजर की डेट आनी है, अब यूजर ने डेट नहीं डाली तो हम आज की डेट अपने आप क्या डलवा देंगे, तो दैट इज व्हाट डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर।
इसके अलावा मोंगूस ने एक और मॉड्यूल भी दे रखा है कॉल्ड वैलिडेटर मॉड्यूल। अगर वैलिडेटर मॉड्यूल भी मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर देता हूं तो मुझे यहाँ पर वैलिडेशन नाम से एक फंक्शन मिल जाएगा, वैलिडेट एज अ वैल्यू, जिसमें बेसिकली वो क्या दिखा रहे हैं आपको कि आप इस फंक्शन के थ्रू चेक कर सकते हो कि आपका डेटा वैलिड है कि नहीं है, सम सर्वर साइड व्हाट कंडीशंस। फिलहाल वो इंस्टॉल नहीं है इसलिए और फिर मतलब स्कीमा के थ्रू बहुत सारे ऑप्शन है डिफाइन करने। आई एक्सपेक्ट की वैलिडेटर वाला मॉड्यूल आप खुद पढ़ो। एडिशनल मैं एक और बता रहा हूं इसके अंदर और क्या हो सकता है। स्कीमा के अंदर आपने कॉलम्स बनाए ईमेल एंड व्हाट पासवर्ड, हो सकता है स्कीमा के अंदर आपके पास नेम ना पढ़ाओ, ऐसे क्या पढ़ा है फर्स्ट नेम पढ़ाओ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, आपने का लास्ट नेम पढ़ी हुई है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये तो तीन चार कॉलम्स हो, बट आप वर्चुअल कॉलम भी बना सकते हो। आपके स्कीमा का नाम यूजर स्कीमा, तो यूजर स्कीमा डॉट क्या है वर्चुअल, और वर्चुअल का मतलब है कि एक कॉलम आपके स्कीमा मतलब मोंगोस के स्कीमा में अवेलेबल है बट एक्चुअली बैकएंड में अवेलेबल नहीं होगा, क्या आपने वर्चुअली बनाया अपने लिए। जैसे आपने कह दिया कि एक वर्चुअल कॉलम बना दो कॉल्ड फुल नेम, और फुल नेम में होगा क्या, फुल नेम की जब भी कोई डिमांड करेगा तो क्या मिलेगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके देंगे, बट ये फुल नेम नाम से कॉलम मुझे आपके कलेक्शन में चाहिए नहीं चाहिए, ये वर्चुअल कॉलम है जो मैं एग्जिस्टिंग कॉलम्स को लेकर ही बना रहा हूं। तो मैंने एक वर्चुअल कॉलम बनाया कॉल्ड फुल नेम, फुल नेम का मैंने क्या दे दिया गेटर दे दिया, गेटर कि मतलब अगर कोई फुल नेम मांगेगा तो हम क्या करेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस एंड दिस डॉट क्या है लास्ट नेम, मतलब मैं अपने मोंगोस में कहीं पर भी मॉडल में यूज करते हुए फुल नेम प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो वो अपने आप क्या दे रहा मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकैटिनेट करके दे रहा है। एक कॉलम है तो मुझे बार बार कंकैटिनेशन नहीं करनी पड़ रही, वर्चुअल कॉलम है, और वर्चुअल का मतलब क्या है कि आपके कोड में तो अवेलेबल है बट मोंगोस के कलेक्शन में अवेलेबल नहीं होगा। कलेक्शन में क्या क्या बनेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एंड व्हाट पासवर्ड, कलेक्शन में फुल नेम नाम से कोई डिफाइन नहीं होगा। आप गेटर बना रहे हो, आप बनाना चाहो तो इसका क्या बना सकते हो सेटर भी बना सकते हो, तो लेट्स से सेटर में मैंने क्या लिख दिया फुल नेम सेट, सेट पैरामीटर में क्या देगा एक नेम देगा, और आप उस नेम से क्या कर रहे हो आपने कहा नेम को स्प्लिट कर लेते हैं स्पेस के अकॉर्डिंगली और लेट एआरआर, और आपने कहा दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू क्या डाल लेते हैं एआरआर एंड दिस डॉट लास्ट नेम दिस इज एआरआर ऑफ जीरो एंड ए आर आर ऑफ क्या वन डाल दिया। तो इसका मतलब आपने एक वर्चुअल प्रॉपर्टी बना दी कॉल्ड फुल नेम, इस प्रॉपर्टी को जब हम असाइन करेंगे कोई वैल्यू तो ये अपने आप स्पेस से स्प्लिट करके फर्स्ट नेम कहां डाल देगा फर्स्ट नेम में और नेक्स्ट नेम नेक्स्ट में, चेक करो एक बार ही कर देंगे ना। यूजर ओबीजे डॉट आई विल से फुल नेम इक्वल्स टू डमी नेम, ये फुल नेम को हमने वैल्यू असाइन किया अपने यूजर ऑब्जेक्ट को मतलब अपने मॉडल को दिया फुल नेम नाम से, फुल नेम में हमने वैल्यू असाइन की है, बट अगर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं किसे यूजर ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम को एंड यूजर ओबीजे डॉट लास्ट नेम को, आउटपुट देखते हैं क्या आएगा एग्जैक्टली इसमें क्या पड़ा होगा, वो जो फर्स्ट नेम हमने दिया डमी स्पेस नेम, फर्स्ट नेम कहां गया होगा डमी में गया होगा, मतलब फर्स्ट नेम में डमी आया होगा और लास्ट नेम में क्या आया होगा नेम आया होगा। ठीक है ऐसे मैं प्रिंट करवा देता हूं फर्स्ट कॉलन दिस एंड लास्ट कॉलन दिस, मैं सेव वाला भी ऑप्शन हटा भी दूं अगर रिस्पॉन्स को डायरेक्टली एंड कर दिया तो आउटपुट में अभी क्या होगा